पनीर दाल नट्स जितना भी खाओ वजन नहीं बढ़ता, ये सीक्रेट है। हम लोग जितना भोजन करते हैं ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्कलाइन भोजन हमको करना जरूरी है। अल्कलाइन और एसिडिक क्या क्या है इस पर भी ध्यान देना। जितना अनाज खाते हैं वो सब एसिडिक हो जाता है, सब्जी जो खाते हैं वो अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन पानी पीना चाहिए आपको रोज। अल्कलाइन पानी कैसे बनाते हैं पता है, 1 लीटर पानी रखो एक जग में, काकड़ी उसमें डाल दो, 4 पीस छोटे छोटे पीस काकड़ी और छोटे छोटे नींबू के 2 पीस उसमें डाल दो और रात भर रह जाए, सुबह वो अल्कलाइन पानी हो जाता है। फिर 1 दिन 1.5 दिन तक उसको हम पी सकते हैं। और कब पीना चाहिए, सुबह उठ के थोड़ा सा पी लेना, फिर भोजन के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए और भोजन से पहले भी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के बाद 2 घंटे बाद उसको थोड़ा और पानी पी लो। इस तरह से करोगे तो हमारे जो रक्त है वो अल्कलाइन होएगा, ब्लड अल्कलाइन होता है तो ब्लड की अच्छा सर्कुलेशन होता है। फिर मगज का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर में दर्द, ये सब आप देखोगे अपने आप दूर होता है। हल्दी खाते हैं हम, हल्दी बहुत आवश्यक है, प्रतिनित्य हल्दी और अदरक। हल्दी अदरक का अचार बनता है ना, वो बच्चों को भी खिलाओ हल्दी और आप लोग भी सब खाओ। प्रतिनित्य थोड़ा थोड़ा हल्दी और अदरक का सेवन करना चाहिए। हल्दी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, वायरल फीवर हो जाता है ना सब जो लोगों को, कितने दिन देखो, फिर क्या क्या टैबलेट खानी पड़ती है। कच्चा हल्दी को थोड़ा नींबू के पानी में रखकर उसको खाने लगोगे, तुम्हें वायरल वगैरह की अटैक से तुम अपने आप को बचा सकते हो। ये सब वायरल अटैक होगा ही नहीं, वायरल जितने भी फीवर वगैरह है वो सब के लिए हल्दी दिव्य औषधि है। हल्दी और अमृत ये दोनों हमें लेना चाहिए। तुलसी और आंवला का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत उत्तम है रोग निरोधक शक्ति के लिए। हम लोगों ने ऐसे बता दिया तुलसी का विवाह कर देते हैं, विवाह माने ये नहीं, तुलसी और आंवला को साथ सम्मान करो, उसको शरीर में लेना चाहिए। सिर्फ आरती कर देने से नहीं, तुलसी और आंवला का सेवन करो इस सीजन में। तब क्या होगा, ये सर्दियों में जुकाम के रिलेटेड कोई भी तुम्हें बीमारियां नहीं आए। कई प्रसाद बनते हैं उसके ऊपर तुलसी रखे बिना प्रसाद नहीं बनता बोलते हैं, क्यों, तुलसी में वो गुण है जो हमारे शरीर को बल देती है। इसमें वैज्ञानिक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक पद्धति चला देते हैं बिना सोचे बिना समझे। जब समझ के करोगे ना उसका रहस्य पता चलता है। तुलसी और आंवला को साथ में लेना, ये दोनों रोग निरोधक शक्ति एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज इसमें पूरा है। गुजराती में जितने तली हुई हम सब खाते ना, चिवड़ा खाते हैं ये सब, इन सब के साथ कड़ी पत्ता रखते हैं। कड़ी पत्ता एंटी कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई हो तो बोलते हैं स्टैटिन टैबलेट लो, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं लेना। वो स्टैटिन टैबलेट से फार्मेसी पैसा बनाती है मगर शरीर का कोई आराम नहीं मिलता। अभी इतने साल के बाद अब अमेरिका में लेटेस्ट रिसर्च है, वो बोल रहे हैं स्टैटिन से नुकसान है कोई लाभ नहीं है। ये तो हमको पहले से पता, भारत में हम पहले से कहते थे ये स्टैटिन टैबलेट बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह क्या लोगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कड़ी पत्ता ना चटनी जमी लो, कड़ी पत्ता का चटनी, ढोकला साथे, हांडवा साथे जमी लो। ढोकला बहुत सरस फूड थे, ढोकला में तो सब है, उसमें अमीनो एसिड है, उसमें इडली जैसे है ढोकला, उसमें दही भी है तो शरीर के लिए उत्तम है, पर मीठा कम खाना चाहिए। और सफेद चीनी तो बंद ही कर दो आप लोग, जहाँ भी कुछ करना हो गुड़ का ही उपयोग करना चाहिए या ब्राउन शुगर को उपयोग में लाना चाहिए, तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखो सब तली हुई पदार्थ के साथ हम कड़ी पत्ता डालते हैं, क्यों, उससे तली हुई पदार्थों में
कोलेस्ट्रॉल होता है और कड़ी पत्ता कोलेस्ट्रॉल को वहीं का वहीं खत्म करती है, इसलिए कड़ी पत्ता का चटनी हम सबको लेना चाहिए। सहजल है ना, सहजल डांटा जिसको कहते हैं सहजल, ये इतना उत्तम है, आजकल विदेशों में बहुत जोर से चल पड़ा सहजल। इतनी सी बोतल में इतनी सी सहजल पत्ते के पाउडर पुड़िया बहुत महंगी बिक रही है, वहाँ $30-35 बिकती इतनी सी सहजल के पाउडर। वो सरगो की पत्ता जो है इतना बढ़िया है, आपके ब्लड में जो जो चीज चाहिए वो सब सरब के पत्ता में है। वो सरब को खाना बहुत आवश्यक, सबको खाना चाहिए, और सरब को नहीं मिलता तो ऊर्जा टैबलेट बनाए अपना आयुर्वेद में, वो सरग को का ही पत्ता अच्छे से निकाल के ऊर्जा टैबलेट जरूर रखना अपने पास, उससे शक्ति बनती है हमारे शरीर में। कोई भी चीज की कमी हो तो ऊर्जा टैबलेट लो, वो ठीक कर देते। ऊर्जा टैबलेट हर तरह की कमी डिफिशियंसी है, कोई बोलता है कैल्शियम डिफिशियंसी, पोटेशियम डिफिशियंसी, कोई बोलेगा तुम्हें बी का डिफिशियंसी है, डी का डिफिशियंसी, किसी भी तरह का डिफिशियंसी, ये ऊर्जा खा लो ऊर्जा टैबलेट, उससे वो ठीक होने लगेगा। अब घी मर बनाते हो ना घर में, घी बनाते हो तो सरगो का पत्ता उसमें डाल देना दो चार, वो भी अच्छा है। ये सब दादी माँ नानी माँ सब करती थी, सरगो के पत्ते कड़ी पत्ता घी में डालती थी कि नहीं, पहले करते थे वो घी जब बना दे, आजकल हम सब भूल भाल गए वो सब। देखो जो जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है हमने उसको पवित्र माना, क्या 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 हमने पवित्र माना, तुलसी, तुलसी से रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है शरीर में, तुलसी हमने पवित्र माना। फिर क्या पवित्र माना हमने, नींबू को बड़ा पवित्र माना। दक्षिण भारत में कोई आते तो उनको पहले नींबू देते हैं हाथ में, नींबू शक्ति का सूचक है, इसलिए देवी मंदिर में आप देखो त्रिशूल के ऊपर एक नींबू रखे रहते हैं, नींबू में शक्ति है, माँ है, माँ दुर्गा है का निवास है ये कहते हैं। तुलसी में विष्णु का निवास है, बेलपत्र में, बेल में शिव जी का निवास है। हम एक एक पत्ते को ईश्वर के साथ जोड़ के रखे हैं ताकि वो सारे ईश्वरी तत्व हमारे पौधों में, पत्तों में, फलों में निवास करते हैं, ये बात है, उनका तरंग इन चीजों में होता है। ऐसे जब नर्वस सिस्टम का या पेट का कुछ हो तो बेल पत्र खा या बेल का फ्रूट खाते हैं। जब फल खाते हो फल के साथ साथ पूरा सब खाना मत खाओ, फल ही खाना चाहिए, थोड़ी देर छोड़ना चाहिए समय, नट्स और फल एक बार खाना चाहिए। फिर जब पके हुए भोजन करते हो सेपरेट, उस वक्त फल नहीं खाना चाहिए। अब ये विदेशों में क्या करते हैं, भोजन के बाद फल खाते हैं, ये गलत है, आयुर्वेद इसको मानता नहीं है। आयुर्वेद कहता है फल को अलग खाओ, सब्जी को अलग से खाओ, दोनों को मत मिलाओ। भोजन में सिर्फ सब्जी चलता है और नाश्ता में सब्जी नहीं, फल खाओ। और बहुत ज्यादा मोटापा है तो आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अलग अलग टाइम पर खाओ, फिर वजन नहीं बढ़ेगा। माने एक टाइम दाल खाना चाहिए, दूसरे टाइम रोटी खाना चाहिए, चावल रोटी के साथ दाल नहीं मिलाना, पनीर नहीं मिलाना, पनीर दाल ये सब प्रोटीन है, नट्स इसको अलग से खाओगे और चावल अलग से और रोटी अलग से खाओगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, जितना भी खाओ वजन नहीं बढ़ता, ये सीक्रेट है। तो इस तरह से भोजन का हम ध्यान दें फिर हम निरोगी बने रहेंगे और आरोग्य ही जीवन का सबसे अच्छा धन है। हम सब ये संकल्प लें, घर घर में आयुर्वेद पहुंचे, लोग निरोगी रहे। तो आप हम जो भी हम लोग यूज करते हैं स्नान करने में, ये करने में, सब आयुर्वेद की तरफ मुड़ना चाहिए। देखो शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन, इस पे जितना केमिकल वाली सब हम साबुन वाबुन लगाते हैं, वो केमिकल अंदर धीरे धीरे जाके फिर अपना शरीर में आता,
स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें लौट के आयुर्वेद पर अपना ध्यान दें, आयुर्वेद की तरफ चलें। शरीर के भीतर बाहर सब आयुर्वेद का ही हम उपयोग करें।